नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। दोस्तों, जब प्रिंट मीडिया से हमारा और आपका विश्वास उठने लगा तो हमने प्रिंट मीडिया को कोसना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया की ऐसी खबरें जो हमको सत्य लगती थी उन्हीं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया। वैसे समय में सबसे बड़ा विश्वास पात्र बनकर यदि कोई चैनल आया तो उसको हम और आप जानते हैं द लल्लन टॉप के नाम से। द लल्लन टॉप में सौरभ द्विवेदी जो हैं वो एकदम खांटी, जैसा हमारा स्टाइल है, एक आम बोलचाल का जो तरीका होता है उसी में ही वो बातचीत किया करते थे और अपने लोगों को आसान शब्दों में बातों को समझाया करते थे। धीरे धीरे लल्लन टॉप बड़ा होता चला गया, अन्य उसमें पत्रकार भरते चले गए और धीरे धीरे हमने देखा कि द लल्लन टॉप का पूरा स्वरूप ही बदलता चला गया। आज की तारीख में अगर हम उसको देखते हैं तो ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ दो बातें मिलेंगी। एक तो ये कि अपने जो हमारा प्राचीन जो धर्म है, जो उसकी मान्यताएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ गलत ठहराना, और दूसरा ये कि मोदी विरोध करना। ये मैं मोदी विरोध और अपने धर्म के ऊपर लांछन लगाने वाली बात क्यों कर रहा हूँ। पिछले दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से कांवड़ के एक, जो हमने देखा ना मोतीनगर में एक कार को तोड़ा गया, उसको एक तरफा दिखाया गया और उसमें ये सिद्ध किया गया कि सारे के सारे कांवड़िए क्या होते हैं, नशेड़ी होते हैं। कांवड़िए क्या होते हैं, मार तोड़ करने वाले होते हैं। कांवड़ियों में चोर छिप करके यात्राएं करते हैं, कांवड़ के नाम पर उत्पात करते हैं। दो तीन वीडियो पूरी सीरीज़ में निकाली और उस सीरीज़ में कहीं पर भी उनका कोई भी पॉजिटिव जो पक्ष होता है वो नहीं दिखाया गया। जो वीडियो इन्होंने तोड़फोड़ पर बनाई उस वीडियो में नहीं बताया गया कि जिस कांवड़िए को टक्कर मारी गई थी, जिसका जल गिराया गया था, उसकी आस्था पर क्या चोट नहीं पहुंची होगी और उसको कार वाले ने निकल के थप्पड़ मारा, वो भी किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया। जबकि हम इसी विशाल भाई को पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे ना तो कांवड़ के, तो यही कांवड़ लेकर भी गया था, कांवड़ियों की इसने बहुत प्रशंसा भी की थी और खुद जब ये किसी भी साधन से हीन हो करके कांवड़ लेकर गया तो कांवड़ियों ने ही इसी की बहुत हेल्प भी की थी। लेकिन वही है कि आज उस चैनल का क्योंकि प्रारूप बदल गया तो रिपोर्टर्स का तो स्वभाव और उनकी बोलचाल शब्दावली तो बदलनी है। मोदी विरोध के विषय में मैं क्यों कह रहा हूँ और कांवड़ विरोध के विषय में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कांवड़ियों का एक और कांड सामने आया था बुलंदशहर का, जो कि इन्हीं के पैरेंटल चैनल आज तक ने दिखाया था लेकिन इनकी दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी है। वो क्या था, वो ये था कि 11-12 लोग जो थे वो कांवड़ियों के भेष में आए, उन्होंने लोगों की मार पिटाई की, पुलिस की गाड़ी तोड़ी, पुलिस के ऊपर भी हाथ उठाया और वो कांवड़िए नहीं थे, कांवड़ियों के भेष में आए थे, उत्पात मचाया था, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिखाया कि कांवड़िए जो हैं सभी के सभी ऐसे नहीं होते हैं, उनमें होती हैं कुछ गड़बड़ें, लेकिन उसके ऊपर आप 3-4 वीडियोस निकाल करके ये दिखाने शुरू कर दें कि कांवड़ियों का तो देखिए स्वरूप यही होता है, दारू पीकर नशे में चलते हैं। क्या ये लोग हिम्मत करेंगे उस रात के लिए जब ईद से प्राथमिक रात जो होती है, उसकी जो पूर्व संध्या होती है, सड़कों पर जो बवाल मचाया जाता है, सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाता है, महिलाओं को तंग किया जाता है, क्या ये वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे? शायद कभी नहीं करेंगे क्योंकि आज तक तो नहीं की है। और एक तरफा हिंदुओं को घेरने की बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो आया था जिसमें कि कुछ बच्चे थे, सिर पे टोपी लगाए हुए थे और बर्तनों को वो चाट रहे थे। अफवाह ये फैली थी कि वो लोग अपने झूठे बर्तनों में लोगों को खाना खिलाते हैं। पड़ताल जो लल्लन टॉप की निकली उसमें ये बताया गया कि वो झूठे बर्तनों में खाना नहीं खिलाते हैं, बल्कि वो जो बर्तन झूठे होते हैं उनको वो चाट रहे होते हैं। ये कह करके पूरी पड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। आपने ये नहीं बताया कि जब वो बच्चे हैं वो क्यों दूसरों का झूठा खाएं, उनको कोई बीमारी भी हो सकती है, और यहाँ ये जो बच्चे बर्तनों को चाट रहे हैं किस अंधविश्वास के नाम पर चाट रहे हैं। केवल ये कह करके छोड़ दिया गया कि ये किसी अलग ही तबलीग या समुदाय के लोग हैं, ऐसे कुछ शब्दों को कहा और अपना इस पूरी पड़ताल की इतिश्री कर दी गई।
मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यदि किसी गुरुकुल में इन्होंने ये भी देख लिया कि गुरुकुल के बच्चे अपने आंगन को साफ कर रहे हैं या अपने कपड़े धो रहे हैं, तो वहीं पर ये बवाल मचाने के लिए पहुँच जाएंगे। यही नहीं, पूरी मीडिया, पूरी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ये देखिए बच्चों से किस प्रकार से उनके कपड़े धुलवाए जा रहे हैं। ये गुरुकुल जो बच्चों की सुविधा के लिए एक धोबी तक नहीं रख सकते, वो कैसा गुरुकुल है? और यहाँ दूसरों के झूठे बर्तन चटवाए जा रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि यदि हम इनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो ये 2 मिनट में हमारा छुचक सा भर देंगे। तो इसलिए इनको उनके पड़ताल करते समय भी बहुत कुछ सोच समझकर और नपे तुले शब्दों में ही बोलना पड़ता है। तो अब मोदी के विरोध के ऊपर आते हैं। मोदी का एक स्पीच हुआ था तकरीबन 28 जून को, 620वीं जन्मतिथि कबीर दास की। वहां पर मोदी ने एक स्पीच में कहा कि ऐसा कहा जाता ऐसा है कि ऐसा कहते हैं कि यही पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा। अब आप ये समझ लीजिए कि जब ये बात कही जाती है कि ऐसा कहा जाता है कि, और तब जाकर के कोई तथ्य प्रमाण हम दें, तो उसमें हमारा लेशमात्र भी योगदान नहीं होता है। हम किसी सुनी सुनाई बात को यहाँ पर कह रहे हैं जो कि परंपरा से चली आ रही है। मोदी ने वहाँ पर कहा कि ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ और कबीरदास जी ने इसी स्थान पर बैठ करके धर्म का चिंतन किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। यही विशाल नामक रिपोर्टर जो है द लल्लन टॉप का, ये आकर के कहता है कि मोदी जो है वो झूठ बोल रहे हैं, और यहाँ तक ही कहते कहते वीडियो के अंत में ये तक कह देता है कि ये तो आप लोगों को समझना चाहिए कि मोदी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या वो भूल कर रहे हैं आप लोग जो कि एक वोटर हैं, जो वोट देते हैं। मतलब एक बात कही है कि ऐसा कहा जाता है, और उसमें सीधे सीधे किसको घसीट लिया जाता है? वोटर को, जो वोट देता है, यानी कि मोदी झूठ बोलता है। सीधे वोट को प्रभावित करने वाली बात यहाँ पर कह दी जाती है। गलत आंकड़े और गलत तथ्य जो हैं, पिछले दिनों से झड़ी लगाई हुई है राहुल गांधी जी ने। क्या आप वहाँ से कोई वीडियो खोज कर निकाल सकते हैं द लल्लन टॉप के ऊपर जो उनके तथ्य और प्रमाणों को झूठा या सच्चा साबित करती हुई बताती हो और लास्ट में कहती हो कि ये तो आप लोगों को तय करना है, जो लोग वोटर हैं, जो लोग वोट देते हैं, कि वोट किसको देना चाहिए यदि राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं? गैस, नाले से गैस निकली और उससे चाय बनाने वाली बात के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कितना हंगामा और कितना मजाक उड़ाया था नरेंद्र मोदी का। वो महोदय जिन्होंने नाली से निकलती हुई गैस से चाय बनाई थी, हमने उनका भी इंटरव्यू लिया है, जल्दी ही आपको सत्य सनातन यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन बात यही है कि क्या इतनी ज़्यादा घोर विरोधी हुए बिना आपका चैनल नहीं चलेगा? क्या आप द्विपक्षों को दिखाए बिना एक पक्ष को दिखा करके लोगों से उम्मीद करते हैं क्या? हम ऐसी बात नहीं है, द लल्लन टॉप को काफ़ी पुराने टाइम से देख रहे हैं और ये निराशा हुई, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। और इस बात को लेकर के मैं सौरभ भाई को एक मेल भी लिखने वाला था, लेकिन सौरभ भाई ने कांड कर दिया। मैं जैसे ही वीडियो देखने के लिए बैठा द लल्लन टॉप की, तो सौरभ भाई खुद कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाती है, जबकि संविधान सबको इक्वलिटी देता है। लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है, उपनाम में क्या रखा है। सौरभ भाई द्विवेदी लगाते हैं या त्रिवेदी लगाते हैं, चतुर्वेदी लगाते हैं, त्रिपाठी लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं। इस शब्द का, इस उपनाम का एक अर्थ है। द लल्लन टॉप जब रखा गया होगा तो उसका भी अर्थ होगा। उसकी सार्थकता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है। यदि आज तक लिखता है कि आज तक सबसे तेज, तो वो सबसे तेज बनने की हमेशा कोशिश में रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं सबसे स्लो होकर दिखाऊं लोगों को। वो उस कोशिश में रहता है, उस जद्दोजहद में रहता है। द लल्लन टॉप यदि नाम है तो वो द लल्लन टॉप रहने के लिए कोशिश करता है, द दल्लन टॉप होने की कोशिश नहीं करता है। इस वजह से यदि सौरभ द्विवेदी है, द्विवेदी का मतलब क्या होता है? द्विवेदी, दो वेद जिसको कंठस्थ हों,
वेद तो छोड़ दीजिए, आपने मनुस्मृति के ऊपर भी कोई रिसर्च नहीं की है। मनुस्मृति के ऊपर यदि आप रिसर्च करेंगे तो सीधे सीधे मनुस्मृति को आप आरोपी सिद्ध नहीं करेंगे। आप जानेंगे कि आप ही के द्विवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, चतुर्पाठी और द्विपाठी लोगों ने ही इसमें ये घालमेल और ये कांड मचाया है, और शायद आप जानते होंगे इसीलिए किनारा करके उन लोगों को इसका दोषी ना बता करके केवल एक निर्जीव किताब को दोषी बता देना ज़्यादा आसान लगता है। मुझे लगता था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी करते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और तथ्यात्मक बातें रखते हैं। हमसे भी कई बार तथ्यों में गलती हो जाती है, तो हम भी थोड़ा वेट करते हैं अगली बार तथ्य रखने से पहले कि हाँ ठीक है, द लल्लन टॉप की पड़ताल को देख लें। लेकिन मुझे लगता है कि अब लल्लन टॉप के ऊपर से हमारा भी विश्वास उठता जा रहा है। मनुस्मृति यदि आपको पढ़नी है तो मेल के जरिए तो मैं भेज नहीं सकता हूँ। यदि कोई हमारे दर्शक दी लल्लन टॉप का एड्रेस जानते हो, सौरभ भाई का एड्रेस जानते हो, या किसी का भी एड्रेस जानते हो, ऑफिस का एड्रेस जानते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको एक फ्री गिफ्ट करना चाहता हूँ, ये मनुस्मृति। मनुस्मृति का वो स्वरूप जो कि आपको बताएगा कि मनुस्मृति में क्या गलत है और क्या सही है, किस तरीके की मिलावटें हुई हैं और सौरभ भाई उनको किस तरीके से छांटा जाता है, किस तरीके से उस गंध को बाहर निकाला जाता है। आपके मुंह से ये सुन करके कि मनुस्मृति आपको जातिवाद सिखाती है, भेदभाव सिखाती है, मनुस्मृति में आपको कहीं पर भी चार नहीं लिखा मिलेगा। मनुस्मृति में आपको कहीं पर भी ये लिखा नहीं मिलेगा कि इस नाम से, कुमार के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र बनाओ और आरक्षण पाओ। आप जानते ही नहीं हैं कि वर्ण व्यवस्था है क्या, ठीक है? तो इसलिए कोई भी हो मुझे एक बार ज़रूर भेजें। मैं चाहूँगा कि सौरभ भाई को मैं किताब भेजूँ। ये किताब अपने आप में ही काफ़ी है, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो ध्यान से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि मनुस्मृति आखिर है क्या और उसमें गड़बड़ मचाने वाले कौन द्विवेदी थे, कौन त्रिवेदी थे, कौन चतुर्पाठी थे और कौन त्रिपाठी थे। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वो तो आप लोगों को सोचना चाहिए जो दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं और उसको कंटिन्यू देखते हैं कि क्या आपको लल्लन टॉप अब धीरे धीरे दी दल्लन टॉप बनता नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्ते।